हेलो हेलो। जानो, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड नाइट बोलो ना। यहाँ पे नहीं, तो गुड मेरे तो नाइट है। मॉर्निंग है ना। हाँ तो यहाँ पे तो नाइट है ना, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। तो फिर तुम नहीं सो जाओगे? सोऊंगा, नहीं। नहीं सोऊंगा। आपको बात करनी है? मेरे को तो नींद आ रही है। उनसे चादर वद्दर ओढ़ के पता है एकदम ऐसे आए हाय हाय वाले मूड में ऐसा हूँ कि बस अब आंख बंद करनी है और आपको देखना है और सो जाना है। पता है, पता है, अब एक दो दिन पहले जो हमारी रोमांटिक सी प्यारी सी बातें हुई उसके बाद मेरे 2 दिन इतने अच्छे गए ना, रिलैक्स अच्छा से लग रहा था जैसे हाय मेडिसिन का असर अभी तक चल रहा है। पता है कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स आई बट मैंने वो चीजें सोची और मैं मजे में एकदम, टेंशन ही नहीं कोई। हाँ लोग देखेंगे ना, बोलेंगे पागल होंगी ये लड़की। आजकल आपका भी मन नहीं लगता ना मेरे बिना। हमने तो आप पहले हफ्ते हफ्ते में बात करते थे, अभी आप वहां पे सेटल होगा तो अच्छे से बात कर रहे हो। आई लव यू। अच्छा कैसे चल रहा है सर आपका, चल रहा है, जैसे रोज चलता वैसे ही। मतलब उस लड़के के साथ भी? नींद आ रही है। हाँ उस लड़के के साथ भी? हाँ नहीं, क्या क्या? हाँ मतलब मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे पहले बात करती थी वैसे ही करती हूँ। मेरे कहने पे थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भाव थोड़ी देना मैं बंद कट नहीं ऑफ हो किया? जाऊंगी, बिल्कुल थोड़ी कट ऑफ हो जाऊंगी यार। हाँ जब बट से मैं भाव मत यहाँ पे दो, आई ठीक हूँ है? तब से वो बात करता है मुझसे अच्छे से, इतना हाँ अच्छा तो फ्रेंड है। भाव मत दो, ओके? पटाने के वाला भाव मत दो कि वो आपको प्रपोज करते हैं नॉन, फिर आप मना ना कर पाओ और मेरे को भी चलाओ उसको भी चलाओ, ठीक है? और फिर एक और ढूंढूंगी, उसको भी चलाऊंगी, मजा आएगा। हम दो हमारे तीन, टू मच फन है ना। नहीं मैंने ना मार देना है आपको, ओके, मैं ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? बट मजाक कर रही हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। मेरे जान सुनो, आज किस कर दिया आपने? ध्यान हाँ नहीं तो था आज मैं क्या? साइड में आई हूँ ना, अच्छा तो साइड ऐसे पे रोज साइड में आया मच। करो ना ऐसे। अरे कई बार काम होते हैं तो फिर नहीं आ सकती मैं साइड। आपको ऑफिस वाले कुछ बोलते नहीं है? कॉल पे रहते हो तो स्टार्टिंग में ऑफिस में आते ही मेरे को कॉल करता हूँ। नहीं ऐसे तो नहीं बोलता कोई। ट्रैवलिंग में भले ही बात नहीं करते लेकिन ठीक है, ट्रैवलिंग में कर लिया करो ना, यहाँ पे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ रहता, फिर मैं भी जल्दी सो पाऊंगा। वो तो अच्छा है कि हफ्ते में कभी एक दो बार बात होती है तो मेरी नींद बाकी दिन तो हो जाती है। वैसे भी होती कितनी है, 10-20 मिनट ज्यादा ज्यादा। इतना कम क्यों सोते हो? क्या इतना कम क्यों सोते हो? नींद की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी बात करने की बात कर रहा हूँ। मुझे लगा इतने कम देर सोते हो, पूरा दिन जागते रहते हो काम करते हुए। लव यू। आई लव यू टू। बोलो और। क्या बोलूं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वो तो रोज ही करते हो, मैं भी करता हूँ, कुछ और बताओ। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं, तुम्हें है ना कदर, बोलना चाहिए। बहुत कदर है। तुम आ जाओ यहाँ पे प्लीज, जल्दी आ गया, अब क्या करना है मेरे साथ? इश्यू में कुछ दिखाने शर्म आ गई। जी यार। लव यू। बेटो लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दर्द देता है यार, बहुत तकलीफ देता है, मजा भी देता है, एक दूसरे के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ा भी देता है, हद से ज्यादा, लेकिन तकलीफ इतनी देता है ना कि ऐसा लगता है यार भगवान इस चीज से बचा। ये चीज भाई क्या बताऊं, बोर कर देती है पता है एक प्रकार से, और एक प्रकार से इतना एक्साइटमेंट बढ़ा देती है कि प्यार फूट जाता है दिल से निकल के, और इतना बढ़ जाता है कि क्या बताऊं तो मैं। आई लव। तुम सुनो ना, मरने लग रहा ना,
मेरा भी नहीं मन लगता, तभी तो मैं तुम्हारे पास कॉल करती हूँ। अच्छा सुनो, आपसे कोई बात शेयर करूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने अपने दिल की बात कभी शेयर ही नहीं की। बोलो। सिर्फ सिर्फ आपके हिसाब से ही चल रहा है, तो क्या मैं आपसे कुछ शेयर कर सकता हूँ? पहले की तरह एक ना प्रॉब्लम है, मुझे क्या हुआ? क्या? कैंसर है। दिमाग खराब है? फालतू बातें मजाक कर क्यों रहा करते हूँ, हो? सॉरी सॉरी, बात ऐसी है ना कि मैं, आपने मुझे इतने में ये भी नहीं पूछा कि मेरा काम कैसा चल रहा है ना। तुम्हारी अपने बारे में बातें करने से फुर्सत मिले तो काम के बारे में पूछो ना। तो हमारी बातें जो भी हो, काम का पूछना भी जरूरी है। नहीं, हम काम क्रोध लोभ का नहीं पूछते, हम सिर्फ अपने प्यार की बातें करते हैं। क्यों, वो जिंदगी नहीं है, सिर्फ प्यारी जिंदगी है। बताओ कैसे चल रहा है काम? बकवास, वही बारे में शेयर करना था। मैंने आपके कहने पे जॉब तो कर ली है ना। वही तो मुझे शेयर करना ना, काम से रिलेटेड। तो क्या हुआ बताओ? मैंने आपके कहने पे तो जॉब कर लिया, बहुत टाइम हो गया जॉब कर रहा हूँ। मुझे पता है। पहली सैलरी भी आ गई, दोस्तों को पार्टी भी दे दी। अच्छा, मेरी पार्टी रहती है, मैं आके वो लूंगी। कहीं यहाँ आओगे तो लेना ना, वो पहले भी बोला था आपने। सुनो तो सही, मैं आपसे एक बात शेयर करूँ, मैंने शायद तभी कर देनी चाहिए थी, बट बोलो। जब आपने मुझे जॉब के लिए फोर्स किया, आपने कभी मुझे मेरे दिल की बात पूछी नहीं ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे को कभी जॉब करनी ही नहीं थी। यार मुझे पता है तुम नहीं करना चाहते थे जॉब, लेकिन घर वालों के लिए करनी पड़ेगी ना, वरना वो आपको कैसे एक्सेप्ट नहीं पता? करेंगे हमारे रिलेशनशिप को। मुझे पता है तुमने स्टार्टिंग में भी ये चीज बोली थी कि मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ। बात पता है आपको, मेरा मन नहीं करता जॉब वॉब एंड ऑल उसमें। मैं सोच रहा था पता है। थोड़ा बहुत अपना खुद का काम स्टार्ट करूं, ऑनलाइन ही चाहे जैसे भी, लेकिन करूं। क्योंकि पता है आपको एक बात, मेरे को बचपन से कभी किसी को ऐसे मेरे खानदान में भी जॉब करते हुए ज्यादा देखा नहीं है, सो मुझे उस चीज से एक अलग सी चिढ़ मचती है कि जॉब क्यों करनी है यार, सब लोग तो बिजनेस ही करते हैं, बिजनेस ही अच्छा है नॉल। और आपने भी मुझे मुझे फोर्स पता है। किया मुझे कि घर वाले नहीं देंगे तो मैं, मुझे तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, ये सब जरूरी है, पैसे कमाओगे तभी तो मेरे साथ रह पाओगे, मेरे को अपने घर ले जा पाओगे, ये वो ऐसी वैसी जो फालतू की बात है कि ना आपने। मैं बहक गया बहकावे फालतू की में आके, बातें नहीं मैंने करती यार मैं, जॉब कर ली। सोचो लेकिन ना घर वाले सुन लो एक्सेप्ट मेरी कैसे पहली करेंगे। बात, बोलो। सुन लो मेरी पहले, आपके बहकावे में आके बहक गया और बस जॉब कर ली, लेकिन मैंने अपने खुद के दिल की इच्छा मार दी। मैं सोच रहा था लिटरली यार कि मैं मैंने अपना कुछ कहा, स्टार्ट करूं, और मैंने बहुत कुछ मैंने सोचा भी, मैंने मेरे पापा से डिस्कस, सुन पता है लो ना, यार, बोलो। मैंने मेरे पापा से डिस्कस भी किया, और मैं वो सब स्टार्ट भी करने वाला था, बट फिर मैंने पापा को बोल दिया, पापा मेरी जॉब लग गई, तो वो प्लान हमने वहीं पे छोड़ दिया। पता है मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इस जॉब में रहने का यार, क्या काम है यार, ये बोर होता है यार, दिन रात बस वही करो, वही सब करो, वही सब करो, वही सब करो, मजा नहीं है यार, कोई कुछ भी नहीं है। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं जॉब करूँ, और मैंने सोच लिया है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। हाँ, सैलरी भी आ गई है, दो अरे तीन दिन ऊपर हो गए, महीना हो गया, अब मैं छोड़ रहा हूँ बस, हम तो जॉब छोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करोगे? अपना खुद का बिजनेस करूंगा, जिसको जब तक तुम यहाँ पे आओगे 1 साल में सेटल हो जाएगा सब कुछ, नहीं हुआ तो और फिर मैं आपके घर आकर अपना रिश्ता लेके आऊंगा, प्रॉमिस अगर नहीं प्रॉमिस। सेटल हो पाया तो मुझे पता है कि आप मेरी जॉब लगने की वजह से खुश हो मेरे से, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है यार ना। मैं जॉब लेने की वजह से खुश नहीं थी। तुम मेरी पॉइंट को गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ही तुम्हें जॉब करनी है, उसके बाद तुम जो चाहो तुम कर सकते हो। लेकिन उसके बाद मैं सेटल नहीं हो पाया तो उस चीज में, हाँ मेरी बात समझो, अभी अगर 1 साल मेरे पास है, उस 1 साल में ऐसा अगर अच्छा सा प्लान है मेरे पास, अच्छा खासा अगर इधर मैं कुछ कर गया ना,
कसम से बता रहा हूँ, मैं बहुत आगे जाएंगे हम दोनों, क्योंकि उसके बाद आप भी तो मुझे उसमें सपोर्ट करोगे ना। फिर ऐसा तो नहीं है कि आपको मैंने उस दिन इसलिए तो पूछा था कि आप सिर्फ जॉब करना चाहते हो मेरे साथ, सॉरी मतलब कंपनी में कोई जाने के बाद आपने हाँ बोला, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब इसको ये प्लान पता चलेगा तो ये कहेगी कि मैं आपके साथ ही जॉब कर लूंगी, अपनी जॉब आप मुझे अपने जॉब पे रख लेना। मैंने बस ये एक्सपेक्ट किया और सोचा कि ठीक है चलो छोड़ो ये बात। मैंने कोई घर वालों के हिसाब से नहीं बोला था कि घर वालों को बहू घर का संभालने वाली चाहिए, ऐसा वैसा घर काज का करने वाली चाहिए, ऐसा नहीं कुछ घर पे मेरे सीन, ठीक है टेंशन मत लो, तो बस ऐसे ही बोल दिया था। बट यार मैं सोच रहा हूँ 1 साल है उसमें मैं अच्छा खासा इधर कवर अप कर जाऊंगा, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी सारी निकाल लूंगा रिटर्न्स, और वो क्या कहते हैं उसे, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा लूंगा। और जब अच्छी खासी कमाई होने लगेगी तो तुम्हारे पापा थोड़ी ना मना करेंगे हम दोनों की शादी के लिए, करेंगे वो मैं क्या? मानती हूँ यार, मना और करेंगे सब रेगू। सब ऑलरेडी जानते हैं ना हम दोनों के बारे में, फिर मतलब रिलेशनशिप का भले ही नहीं पता है, सब कुछ नहीं पता, लेकिन हम कितने अच्छे दोस्त थे क्या है, सब कुछ तो ऑलरेडी है ना। तुम्हारे घर पे पता है कि मैं तुम्हारा कितना अच्छा फ्रेंड हूँ, और मेरे घर पे पता तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है और मुझे जहां तक पता है कि घर वाले मेरे इतने भी मतलब वो होता है ना, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि यार मतलब मैं इतना ऊपर आ गया और अब नीचे गिर गया और मैं जीरो पे आ गया हूँ, लेकिन मेरी जीरो की वैल्यू मेरे पापा है, मतलब वो बहुत ऊपर है ना। और लिटरली मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं है कि मैं जिससे अपना जिंदगी ना बिता सकूं तुम्हारे साथ, या फिर वो मुझे मना कर देंगे, है ना। मुझे पता है। बाकी सब तो है ना अपने पास जिससे हम दोनों सेटल हो सके अच्छे से, कितना कुछ है। आपको मेरी सारी कंडीशंस पता है, मेरे घर पे क्या है क्या नहीं है, प्रॉपर्टीज वॉपर्टी सब पता है। उसके दम पे भी आपके पापा मेरे को तो दे ही देंगे आपको, है ना। और रही रेगुलर इनकम अर्निंग की बात, तो वो तो मैं कर ही लूंगा कैसे भी करके, अब उस चीज की फिक्र मत करो। मैं ऐसा भूखा नंगा थोड़ी ना घूमने वाला हूँ, मैं आपको भी एक अच्छी जिंदगी दूंगा, खुद को भी, मेरे घर वालों को भी, हमारी पूरी फैमिली को, आई प्रोमिस यू। बस मेरे पे एक बार भरोसा करो, मुझे मैं आपसे भरोसा एक साल है। नहीं बस 6 महीने मांग रहा हूँ। अगर 6 महीने तक भी मैं पूरी तरह अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से सेटल नहीं हो पाया तो आप मुझे छोड़ देना, ठीक है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती था, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तुम सोचो ना यार एक बार मेरे लिए, मेरा मेरा भी तो सपना है ना, प्लीज। आपका सपना तो आप पूरा कर दिया, आप आउट ऑफ जाके जॉब कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपका सारा सपना आप पूरे कर रहे हो, सारे सपने आपके पूरे हो, मेरा क्या? मेरा तो छोटा सा सपना है ना, मैं बस उतना कमाना चाहता हूँ जैसे मेरे फैमिली खुश हो, या फिर उससे ज्यादा, जैसे मैं सबको खुश रख सकूँ, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे आप हो, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे खानदान हो, चाहे कोई भी हो। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना ज्यादा कमा के जाऊं कि 7-8 पुश्ते तो फ्री में खा सके उसमें, बस। और उसके लिए मुझे ठीक है, मैं आपका तुम्हें साथ सपोर्ट लगेगा ना। करने के लिए तैयार हूँ, मैं उस चीज में नहीं बोल रही, पर मैंने तुम्हें ये बताया ना कि मेरी फैमिली मुझे बोल रही है कि तुम्हारे वापस आने तक हम लड़का ढूंढ के रखेंगे, मुझे उस चीज की टेंशन है। 6 महीने आपको आने में, 1 साल है बस, 6 महीने, ठीक है 6 महीने में मैं आपके घर रिश्ता लेके जाऊंगा, चाहे आप उधर क्यों ना रहो। Is ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पे। it okay? पूछोगे भी नहीं मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ? मुझे पता है तुम कुछ गलत काम नहीं करोगे, अच्छे करोगे, और भरोसा है ना अगर मेरे को तुम्हारी आपका? फैमिली सपोर्ट कर रही है तो अच्छा ही होगा। जब इनॉग्रेशन होगा ना सबको बुलाऊंगा, आपके मम्मी पापा को भी, उनके साथ फोटोज खींच के आपको भेजूंगा, ओके okay? बस 1 महीना, 1 महीने में मेरा वो काम सेट हो जाएगा, और उसके बाद 6 महीने के अंदर, मतलब 5 महीने के अंदर, ये 1 महीना और वो 5 महीने, 6 महीने हो गए, ठीक है, उसके अंदर अंदर या फिर उसके बाद मैं आपके घर पे जाके अपना रिश्ता लेके जाऊंगा, आई प्रॉमिस। जब आप जब तक कि यहाँ पे नहीं आते तब तक के आपको घर वाले यहाँ पे बुलाएंगे हमारी सगाई के लिए, ठीक है सीता, ठीक है, ओके, ओके, आई लव यू। लव यू टू।
अभी मैं सोचता हूँ, क्योंकि सुबह पापा को ये गुड न्यूज़ देनी है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मतलब है तो बैड न्यूज़ ही, और मैं कल रिजाइन कर दूंगा। 10 दिन का मेरा, 10 नहीं, मैं 5-6 दिन का ही हैंड ओवर दे दूंगा और निकल लूंगा वहां से। ठीक है, सुनो। आई एम सॉरी, थैंक अरे यू मैं मुझको नाराज नहीं हूँ। भरोसा करने के लिए, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, लव आई लव यू। यू टू। जाऊं सो जाऊं, हाँ सो जा, गुड आज नाइट। मुझे अच्छी नींद आई। यस, थैंक टाटा, आई लव यू। यू, लव यू टू। हे एवरीवन, तो फिर कैसे हो सब? ठीक ही होंगे आई गेस। तो यार क्या कर रहे हो? मतलब मेरे दिल तोड़ने के ठेके ले रखे हैं क्या? 75% लोग हैं ऐसे जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं, रेगुलर देखते हैं। सो सब्सक्राइब करो यार, किस बात की फिक्र है? बेल आइकन को हिट करो, नोटिफिकेशन नहीं मिस होगी कोई वीडियो की। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अभी के भी वीडियो को लाइक करो, नहीं तो भूल जाते हो, मेरे को नहीं पता। कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए, 1000 लाइक के ऊपर इस वीडियो का एम है, और सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। बस 15 दिन में 1 मिलियन चाहिए मेरे को अभी, या फिर जनवरी 24 के पहले, 2024 के पहले।